इस वीडियो में हम झारखंड की प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। बिफोर वी बिगिन, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस काफी सारी आपको जेपीएससी और अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मिल जाएंगी यहाँ पे। ये झारखंड के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जेपीएससी के लिए तो विशेषकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ योजना पढ़ने से फायदा नहीं होने वाला है। डेफिनेटली जब योजना की बात होती है तो योजना को समझना जरूरी है, और कितना फंड अलॉट किया गया है बजट में वो जानना जरूरी है। इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे हम बात करें समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना की, यहाँ पे हम छह योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना क्या है कि कुछ गांव को सिलेक्ट किया जाएगा, राइट, और उसे कहा जाएगा बिरसा ग्राम। और इसमें चयन करने के बाद क्या होगा कि किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी और कृषक समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और कृषि के विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए कृषक को एक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, राइट। अभी क्या होता है कि जैसे कृषक तो अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर बाजार में ढूंढने में उन्हें दिक्कत होती है, तो बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे क्या होगा कि कृषक की आय में बढ़ोतरी होगी। और ये आगामी जो वित्तीय वर्ष है 2021-22 उसमें 61 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डेटा आप याद रखेंगे, इससे जुड़ा हुआ डेटा आप देखेंगे टेलीग्राफ में, ये आर्टिकल दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ तरह इस तरह के पिक्चर आप देख पा रहे हो, दिस इज, आपको पता ही है कि ये है बादल पत्रलेख जी और ये है हमारे झारखंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये राकेश टिकैत से मिलने गए थे दिल्ली, जो प्रोटेस्ट हो रहा था और उसमें कई सारी चीजें कही गई। हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने क्या कहा, देखिए इन्होंने सेटअप करना है 2 किसान सेंटर प्रत्येक जिले में। तो हमारे झारखंड में 24 जिलों में ये 2 कम से कम तो जिले किए जाएंगे सर्विस सेंटर, तो 24x2 हो गया आपका 48, बट यहाँ पे 45 इनिशियल फेज में कहा गया है कि ये किसान सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे, राइट। और ये कहाँ बनाए जाएंगे, तो बिरसा गांव में बनाए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि विकास जो यहाँ पे समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सर्विस सेंटर भी बनाया जाएगा, ठीक है, किसान सर्विस सेंटर, जिससे काफी मदद मिलने की उम्मीद है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं किसान समृद्धि योजना के बारे में। क्या है ये, तो इसमें किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला के विभिन्न प्रखंडों में सोलर आधारित डिप बोरिंग किया जाएगा। आपको पता है कि डिप बोरिंग करके पानी निकालने के लिए, सिंचाई करने के लिए, ठीक है, बोरिंग करेंगे तो क्या यूज होगा, सिंचाई करना है, तो सिंचाई की सुविधा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। सामूहिक रूप से, ऐसा नहीं कि एक किसान को दिया जाएगा, जितने भी किसान है सामूहिक रूप से जो है उस डीप बोरिंग से लाभ ले सकेंगे, एक से ज्यादा किसान, नंबर ऑफ फार्मर्स, राइट। इस हेतु क्या किया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष में 45.83 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित किया जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। क्या है ये, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि फसल राहत योजना, मान लीजिए फसल किसी भी तरह से बर्बाद हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इससे राहत देने के लिए जो किसान है उसको क्या दिया जाएगा, तो पैसे दिए जाएंगे, राइट। तो ये जो है 2020-21 से ही ये चला आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जा रहा है आपके लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से ही चल रहा है, राइट। तो ये चीज याद, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहां कर देता हूं। इसकी पीडीएफ फाइल है, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। चलिए तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रतिकूल जो मौसम है, जो फसल बर्बाद हो जाएगा या मान लीजिए कम हो जा रही है फसल का उत्पादन, तो वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी, और 21-22 में 50 करोड़ जो रुपया है इसके लिए आवंटित किया जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट करेंगे गव्य विकास। गव्य विकास का मतलब गाय का विकास, तो इसके लिए 19-20 में अनुमानित जो कुल दूध उत्पादन है वो 68 लाख लीटर प्रतिदिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में, जेपीएससी, बीपीएससी में यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हमेशा वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में कि कितना मछली उत्पादन हो रहा है, कितना अनुमान है, तो 68 लाख लीटर का अनुमान है प्रतिदिन, ये याद रखेंगे आप। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन 73.50 लाख लीटर दूध उत्पादन का अनुमान है, राइट। झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा राज्य के 16 जिलों में अब तक 669 मिल्क पूलिंग पॉइंट्स से संबद्ध कुल 2372 गांव के 19630 दूध उत्पादकों को जोड़कर औसतन 1,02,000 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित करते हुए
प्रत्येक माह लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि दुग्ध उत्पादक के निजी बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये कितना लक्ष्य है, तो 2021-22 में कितना लक्ष्य है, तो 80 लाख लीटर, ये याद रखेंगे। और 2019-20 में कितना था, 68 लाख था। 2021 में कितना था, तो 73.50, इतना आपको याद रखना है सिर्फ। और यहाँ पे एक चीज और याद रख सकते हैं कि ये जो दूध उत्पादन है ये कौन सा रिवॉल्यूशन कहते हैं इसे, श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन, और इसके जो जनक है हमारे भारत वर्ष में वो कौन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। मसलिया आपको बताना है कमेंट में कि मसलिया कौन से जिले में आता है, इसका जवाब मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, जिसका सही जवाब होगा उसे मैं पिन करने वाला हूं। चलिए, आगामी वर्ष 2021-22 में प्रारंभ किए जाने का ये कार्यक्रम निर्धारित है और इससे जिले के बहुत बड़े भूभाग को सुनिश्चित सिंचाई, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिंचाई योजना है ये, तो डेफिनेटली सिंचाई योजना के लिए जैसे कैनल टाइप की चीजें बनाई जाएंगी, इस तरह की चीजें, या ट्यूबवेल बनाया जा सकता है, डीप बोरिंग की जा सकती है, इस तरह की चीजें यहाँ पे की जाएगी। तो डेफिनेटली यदि कैनल बनाने की बात आ रही है तो मसलिया में एक तो विजय नदी आपको दुमका में पड़ेगा एंड मयूराक्षी नदी, कहीं से इस तरह का लिंकेज यदि यहाँ से किया जाए, मैं बताता चलूँ कि मसलिया दुमके जिले में है, तो इस तरह से कुछ किया जा सकता है, प्लानिंग देखना पड़ेगा क्या करती है सरकार। पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना का विकास योजना, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्यानिकी फसलों के कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान की रोकथाम करना। देखिए पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब फसल की कटाई, तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, मतलब कटाई होने के बाद क्या होता है कि फसलें बर्बाद हो जाती है क्योंकि किसानों के पास जो है वो क्या नहीं है, तो कोल्ड स्टोरेज की कमी है, राइट, जिसके कारण कई फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार क्या करने वाली है कि 24 शीत गृह, जिसे हम कोल्ड स्टोरेज कहेंगे, या लघु शीत गृह की स्थापना करेगी और उसके लिए 31 करोड़ रुपया का लागत पर यह किया जाएगा, राइट, तो इससे बर्बादी रुकेगी, आप समझ रहे हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें।